से क्या हो गया साहिबा को? शादी होने तक तुम मुझसे इतना नाराज तो नहीं थे जितनी अब है। मुझ पर हाथ उठाया, फिर मेरे नाम की मेहंदी मिटा दी और अब उन्हीं जख्मों के साथ खुद को सजा दे रही है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रणवीर को आपकी हरकत के बारे में पता लग जाएगा। हरकत? कौन सी हरकत? हरजोत जी, रणवीर को इस बात के बारे में कौन बताएगा है? बोलो कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा उसको? ये हल्दी वाला दूध पी ले, घाव भर जाएंगे। रूपुत्तर दूध पिला दे। मैं इन्हें ताजा रखूंगी, खुद को ये याद दिलाने के लिए कि मैंने कितने पाप किए हैं, ये याद दिलाने के लिए कि रणवीर से शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। साहिबा, बहुत रात हो गई, अपने कमरे में जा। देर हो गई, कहाँ रह गई लड़की?
तू तो ये सोच साहिबा कि कल तेरा क्या होगा। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो, कल करवा चौथ है, हमारी साहिबा का पहला करवा चौथ। अरे सब अपने अपने दिल पक्के कर लो भाई, क्योंकि कल पूरा दिन आपकी लाडली ने भूखे रहना है। अच्छा बताना, कर लेगी ना कल का व्रत? तू कल पूरा दिन भूखी रह लेगी? क्योंकि हमें पता है तू भूखी रह ही नहीं सकती। बताना, कर लेगी अपने रणवीर के लिए करवा चौथ का व्रत? अगर इसे नहीं रखना तो ये नहीं रखेगी। मैंने इसे शादी से खुश रखने के लिए किया, भूखा रखने के लिए नहीं। तो जीजू, क्या आप ये चाहते हो कि दिया आपके लिए व्रत ना रखे? अगर उसे नहीं लगता तो कोई जरूरत नहीं है। वाह दी, मुझे तो ना आपकी लाइफ से बड़ी जलन है। कितने लकी हो आप। तो फिर तू ना जलती रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरी लाइफ मेरी लाइफ के जैसे हो। बड़ी कमीनी है तू। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते। चल, रात बहुत हो गई, आराम कर ले। हाँ पुत्र, जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, सरगी खानी है। तो क्यों ऐसा कर रही साहिबा? मुझे सजा देने के लिए खुद को क्यों इतना दर्द दे रही? कैसे समझाऊं तुझे कि सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे प्यार के लिए कर रहा हूं? और अगर सबके सामने ऐसा करेगी, सबको तो ये लगेगा ना कि तू मेरे साथ खुश नहीं है। तो इसमें गलत क्या लगेगा रणवीर? जानता था मैं, पता था मुझे ये सब चोटी, सब घाव तूने खुद किए है ना? हाँ, ये सब मैंने खुद किया। और पता है क्यों किया? ताकि ना कभी मैं भूल पाऊं और ना कभी आपको भूलने दूं कि जो घाव आपने मुझे दिए है ना, कभी नहीं भर सकते। लेकिन सबके सामने नाटक करके तू साबित क्या करना चाहती है? सबके सामने नाटक? आपको बस यही पड़ी है ना कि सबके सामने आपका भांडा ना फूट जाए। साहिबा, बस रणवीर, मैं आपसे इतनी नफरत करती हूँ ना कि आपके साथ एक कमरे में तो क्या, एक छत के नीचे भी नहीं रह सकती। साहिबा, लेकिन तू बताएगी मेरी गलती क्या है, किया क्या है मैंने? तो आपने ये नया नाटक करना शुरू कर दिया, और आपको लग रहा है कि आपके इस नाटक में मैं आराम से भरोसा कर लूंगी? हाँ, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है साहिबा, तू ये गलती क्या है, कुछ बताएगी मुझे? आपको ये नहीं पता कि ये घर आपके बाबूजी ने मेरे बाबा जी से दहेज में लिया है? दहेज? हाँ दहेज। और ये जो नाटक आप कर रहे हो ना, क्या आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता? इस नाटक में मैं शायद आ भी जाती, लेकिन आप भूल गए हो, आपने ऐसे नाटक ना कई बार मेरे सामने किए। तो सच में कुछ नहीं पता साहिबा? और फिर तेरे बाबूजी भी तो हमेशा यही कहते रहे कि वो अपनी खुशी से ये सब। साहिबा मेरा यकीन कर, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। जो आदमी जबरदस्ती ब्लैकमेल करके दो प्यार करने वालों को अलग कर सकता है ना रणवीर जी, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और मैं आप पे यकीन नहीं कर सकती। साहिबा तू गलत समझ रही है। मैं अब बिल्कुल सही समझ रही हूँ। और आपको एक बात और बता दूं रणवीर जी, कल का करवा चौथ का व्रत जो मैं रखने वाली हूँ ना,
वो आपके लिए नहीं, अपने दल जीत जी के लिए रखने वाली। जो सही मायने में मेरे पति हैं, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता दिल का है, जबरदस्ती का नहीं। तो फिर जिंदगी भर भूखी बैठी रहना। जोर से दुआ खा खा के कोड़ी हो गई है, पर तेरे हाथों में जान नहीं है। काम चोर। पापा जी, आपने दहेज में साहिबा के बाबूजी से घर लिया है? हाँ लिया है। तो ओए, मैंने जो कुछ भी किया है ना, तेरी भलाई के लिए किया है। तुझे तो अपने पापा जी की इंटेलिजेंसी पे खुश होना चाहिए। अब जा, जाके अपने चोरू के कमरे में घुस जा, चोरू का गुलाम। 7 दिन, 7 दिन का टाइम दे रहा हूं पापा जी। 7 दिन के अंदर घर वापस आइए। पागल हो गया तू? तू अपने पापा जी को आंखें दिखा रहा है? मैंने तुझे तेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज तू अपनी चोरू की वजह से अपने पापा जी से ऊंची आवाज में बात करता है। 7 दिन का टाइम दे रहा हूं पापा जी, घर वापस हो जाना चाहिए, वरना अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे, और उसके साथ साथ जो लंदन से दौलत लाए उससे भी। ओए जा जा जा, लंदन से दौलत लाया है। ओए मैं भी देखता हूं कि अपने पापा जी की मदद के बिना तू कैसे इस दुनिया में जिंदा रहता है। साहिबा पापा जी को बोल। मेरे नाम की मेहंदी तो तूने अपने खून से धो दी, लेकिन मेरा प्यार तो तेरे हाथों की लकीरों में लिखा है, उसे कैसे मिटाएगी? गुना किया दिल मैंने यार।
छोड़ के परचाई जी, कल वो मैं आपकी मदद नहीं कर पाई ना, उस वास्ते मैं माफ कर दो जी। कल वो सारा काम तुसी कर ली। कोई गल नहीं परचाई जी, ऐसे भी सब कुछ साहिबा ने कर दिया। साहिबा ने? प्यार तो आप सबका है ना, तो बेबी ने मुझे क्यों जगा दिया है फिर? देखेगी तभी तो सीखेगी। चल बैठ जा चुपचाप। बेबी सारा काम तूने कर ली। मेरा मन था माँ, इसलिए मैंने सारा काम किया। और आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? ओए नाना पुत्र, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों तुझसे गुस्सा होने लगी? ओ पुत्र, तेरा पहला करवा चौथ है ना, मैं तेरे लिए सरगी लेके आती हूँ। तू जा बैठ। जा पुत्र, मैं जी सरगी लेके आती हूँ। चलो जी सरगी शुरू करते हैं। आज मुझे सरगी आपके हाथों से मिलनी चाहिए थी। आपके कंगन ही आपका आशीर्वाद समझकर छू रही हैं। काश आपके पांव छूकर आपसे आशीर्वाद ले पाती। सुखी पुत्र, पुत्र आज करवा चौथ है, तू व्रत रखेगी ना पुत्र? हाँ सुखी उठ। बहू को सरगी देने का सुख मेरी नसीब में ही नहीं है। खुश है पुत्र, उठ गया तू? वैसे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करा? जो सपने मैंने तेरे लिए देखे थे, इस घर के लिए देखे थे, वो तो टूट गए ना। तो आंसू तो बहेंगे ही ना। मैं तो जानती है ना, तू नहीं आंसुओं को कमजोरी की निशानी समझती, और मैं जानता हूं कि तू कमजोर नहीं है, जैसे मैं कमजोर नहीं हूं। लेकिन हमारे जानने से कुछ नहीं होता। अब तो बस मैं सबको दिखा देना चाहता हूं कि मुझ पे कितनी हिम्मत है। आज मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूं। हो सकता है कि इस मीटिंग की वजह से मेरी जिंदगी बदल जाए, हम सबकी जिंदगी बदल जाए। अब तो बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूं। चाहता हूं कि उन सबको अपनी गलती का एहसास हो।
रब से